फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन लर्निंग बाय डी के सर पर। मैं दीपक मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा विश्व इतिहास प्रश्नोत्तर। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 ईस्वी में। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1905 ईस्वी में। वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1999 में। वर्साय की संधि किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? 37। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? 1882 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस राष्ट्र पर 1914 ईस्वी में आक्रमण किया? बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस और रूस पर। अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 1920 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा आता है, 1 सितंबर 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2 सितंबर 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। विश्व युद्ध जब भी कभी होते हैं कोई ना कोई छोटा कारण होता है जिसमें पूरा विश्व दो गुटों में बट जाता है और विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? 29 सितंबर 1938 में। जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? 1935 ईस्वी में। वर्साय की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के नाम से। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? 8 दिसंबर 1941 में। जापान के किन दो नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए? हिरोशिमा और नागासाकी पर। अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 में। अमेरिका ने परमाणु बम कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर। अमेरिका द्वारा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया? 1931 में। इंग्लैंड में शानदार अलगाव उद की नीति का विचारक कौन था? सेल सेवरी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। TGT और PGT की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।